फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल के हरियाणा के प्रधान कुलभूषण शर्मा और पूरा जो निजी स्कूल एसोसिएशन है उनका प्रतिनिधिमंडल मौजूद है और चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तमाम मुद्दों पर बात हुई है, खासतौर पर 134A को खत्म करने के लिए सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी की है, उस पर इनका क्या रुख है, इसके अलावा तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है 134A के जो है वो खत्म करके RT के तहत गरीब बच्चों को स्कूलों में दाखिला मिले, ये सरकार जो है वो तैयारी कर रही है, आपका क्या कहना है? देखो पवन जी, मैं एक बाकी पत्रकारों से अलग एक आपको जवाब बताता हूँ कि अभी प्रॉपर्टी टैक्स का भी हमारा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ और बहुत सारे अधिकारी उसको मानने को तैयार नहीं हो रहे। तो अब ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो हमारा कभी विवाद जो है गरीब बच्चों के दाखिलों को लेकर कभी नहीं था। हमारा जो विवाद था वो उसकी सिलेक्शन प्रक्रिया कि उसकी जो सिलेक्शन का तरीका था हमारा उससे विवाद था और भुगतान की प्रक्रिया से विवाद था कि जो भुगतान है प्रक्रिया से और कानून के अनुसार नहीं हो रहा था और वो बहुत सारे सालों से नहीं हो रहा था, इसलिए हमारा 134 को लेकर विवाद था। तो जो अभी ये खत्म हुआ है, लेकिन अभी बच्चे तो जो है 1 लाख बच्चे इस पे जो दाखिले लिए हुए हैं उनके बारे में तो अभी कोई दिशा निर्देश सरकार से नहीं आए कि उनकी क्या स्थिति होगी और किस प्रकार से उनका भुगतान होगा, कानून के अनुसार होगा या नहीं होगा। बहुत सारे अभी अनसुलझे जो प्रश्न है वो सबके सामने खड़े हैं, तो इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। लेकिन गरीब बच्चों को 134A के तहत अब शिक्षा नहीं मिलेगी, अगर RT के तहत सरकार कह रही है कि उनको अब शिक्षा जो है वो निजी स्कूलों में दी जाएगी, आप कितना सहमत है? क्योंकि एक इमेज बाहर ये है कि प्राइवेट स्कूल जो है वो गरीब बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते। देखो NISA का तो शुरू से वर्जन रहा है और हम कह रहे हैं कि 100% रिजर्वेशन करो, DBT इन एजुकेशन करो और 3500 रुपया प्रति माह हर बच्चे को दो और वो अपने मनपसंद का स्कूल खुद चुने। NISA का तो खुला ऐलान है कि 25 और 10 क्यों, 100 क्यों नहीं, 100% को 3500 रुपया माहवार क्यों नहीं, सभी को अधिकार क्यों नहीं? जब सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए भत्ते दिए जा सकते हैं कि जाइए जिसमें मर्जी पढ़िए, तो जो दूसरे प्राइवेट कर्मचारी हैं जो टैक्स वो भी टैक्स देते हैं, VAT देते हैं, सेल टैक्स देते हैं, रजिस्ट्री टैक्स देते हैं, तो उनके बच्चों को ये शिक्षा का अधिकार क्यों नहीं? हमारी तो ये लड़ाई है, तो हमारी तो गरीब बच्चों के साथ लड़ाई है ही नहीं, हम तो उनके लिए खुलेआम ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि 100% को आप जो है 3500 रुपये प्रतिमाह दें और हम पढ़ाने को तैयार हैं। आपके दो और भी मुद्दे थे आज, आपने कहा है कि इसमें भी जो है वो आपकी सरकार से क्या मांग है? एक जो कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट जो है अभी ये घोषित किया गया है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के तहत जो 45 यूनिवर्सिटीज आती हैं उसमें एक कॉमन टेस्ट होगा और वो कॉमन टेस्ट जो है डेजिग्नेटेड जो है कंप्यूटर सेंटर्स में जाकर होगा और वो MCQ बेस्ड जो है वो ऑनलाइन टेस्ट उस तरह का कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पे होगा। तो उस पर मेरा एक मतभेद ये है, हम कॉमन टेस्ट का विरोध नहीं कर रहे, हम तो एक तरह की शिक्षा नीति और DBT की बात करते हैं कि सभी को जो है 3500 समान अवसर दे। अभी समान अवसर नहीं है, कोविड के दौरान जो बजट स्कूल्स है 90% स्कूल्स के बच्चे 2 साल पीछे चले गए और 5-7% स्कूल ऐसे थे जिनकी स्टडीज ठीक चली है, उनके पास गैजेट्स थे, लैपटॉप्स थे, ट्यूटर की फैसिलिटी थी, फाइनेंशियल फ्रीडम थी हर चीज़ की, तो उनमें गैप बहुत बढ़ गया है। ऐसे में अगर आप यूनिवर्सिटी का टेस्ट जो है एंट्रेंस टेस्ट वो आप ऑनलाइन लेंगे तो वो बच्चे जो है उस पर अच्छा परफॉर्म करेंगे और 90% स्कूलों के बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका लर्निंग लॉस बहुत हो चुका है। तो इसलिए हम इसका कह रहे हैं कि अभी ये उचित समय नहीं है। पहले मेरा तो ये मानना है कि सरकार सबसे पहले सिर्फ DBT करे, सभी को समान अवसर प्रदान करे, हर एक को 3500 रुपये दे। सिर्फ सरकारी कर्मचारी क्या इस देश में योगदान देते हैं, जो प्राइवेट वाले हैं उनका कोई योगदान नहीं है, वो जो है टैक्स भुगतान करके जो है क्या देश की अर्थव्यवस्था में सहयोग नहीं करते? आज आप निकाल के देखिए सबसे ज्यादा योगदान ही प्राइवेट सेक्टर का है, फिर उनके बच्चों के साथ ये भेदभाव क्यों, उनको जो है शिक्षा भत्ता क्यों नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ। इसके साथ साथ जो स्कूलों की मान्यता है उसको लेकर एक मसला है, उसमें क्या है इस वक्त स्थिति क्या है? आप जो सरकार से शिक्षा विभाग से जो मान्यता मिलती है उसमें क्या कहाँ पेच है? देखिए 2000-2003 से पहले जो स्कूल चल रहे थे अस्थाई मान्यता प्राप्त और उसके बाद भी जो अनरिकॉग्नाइज बहुतों को मान्यता नहीं मिली थी, नॉर्म्स पूरे नहीं कर पाए थे, तो पीछे सरकार ने एक रिलैक्सेशन दी 2019 में, एक रिलैक्सेशन दी, उसके बाद कोविड आ गया। कोविड के दौरान जो स्कूलों की थोड़ी फाइनेंशियल स्थिति थी वो भी चरमरा गई, वो जो है बैंकों से
एनपी हो चुके हैं, उनके ऊपर लोन्स बहुत पड़ चुके हैं, टीचर सैलरीज उन पे वह पेंडिंग है, ऐसे में जो उन्होंने नॉर्म्स रिलैक्स भी किए उसको पूरा करने के लिए भी तो उनके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी चाहिए और टाइम चाहिए। तो वो आर्थिक उनकी तंगी जो है इतनी बदतर हो चुकी है कि वो अगर किसी को दो कमरे बनाने तो वो कहाँ से बनाए, वो 5-7-10 लाख रुपए और कहाँ से लाए। अब सरकार कह रही है अगर आपके नॉर्म्स पूरे आपने नहीं किए आपको बंद कर दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उनको राहत देनी चाहिए थी। तो उनको अगर बंद करना जो है उससे अगर छोटे स्कूल बंद हो जाते हैं तो डिमांड एंड सप्लाई भी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि डिमांड एंड सप्लाई भी चरमराएगी, लोगों के पास ऑप्शन रह जाएगा फिर महंगे स्कूलों का, तो उनके लिए या अभिभावकों के लिए भी एक बहुत जो है दुविधा की स्थिति और फाइनेंशियल जो है एक प्रॉब्लम जो है खड़ी हो जाएगी स्कूल के चयन करते वक्त। तो उनको इस समय बंद ना करके उनको प्रॉपर समय देना चाहिए। और मैंने मुलाकात के लिए भी रिक्वेस्ट किया माननीय मुख्यमंत्री जी को कि मुझे आप समय दें, मैं आपको कई सुझाव दे सकता हूँ जिससे वो रास्ते निकल सकते हैं कि जिससे ये स्कूल भी शिक्षा के रास्ते पे चलते रह सके। हमारे साथ फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल हरियाणा के प्रधान कुलभूषण शर्मा और उनके साथ तमाम प्रतिनिधि मौजूद थे। इनका कहना है कि 134A के तहत या फिर RTE के तहत गरीब बच्चों को दाखिला देने में निजी स्कूलों को कोई एतराज नहीं है, लेकिन सरकार जो है उनके भुगतान में पारदर्शिता के साथ उनका भुगतान करे और समयबद्ध तरीके से 3500 रुपये प्रत्येक छात्र के हिसाब से भुगतान सरकार करे। इसके साथ ही जो स्कूलों की मान्यता का मामला है उसको लेकर उन्होंने ये कहा है कि सरकार इस पर बातचीत के लिए समय दे ताकि इसके लिए कई तरह के रास्ते खोले जा सके और उन पर विचार हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।